अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तौहीद कबाल तौहीद कबाल चैनल के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तमाम नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। तो मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से रिव्यू करता हूँ। आज रिव्यू करूँगा मेलोकास टैबलेट 10 mg के हवाले से, पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मेलोकास्ट किस लिए होती है, इसकी कीमत क्या है, इसके टैबलेट कितनी होती हैं, किस लिए यूज़ की जाती है और ये किस कंपनी की है। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी वीडियो की पूरी समझ आए और उससे पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। मेलोकास टैबलेट में मोंटिलो का सोडियम फार्मूला होता है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है और 10 mg ये शामिल किया गया है इस टैबलेट में, मोंटिलो कास्ट 10 mg। तो एंटी एस्थमा एंटी एलर्जिक ये होती है टैबलेट जो है, इसमें 14 टैबलेट होती हैं और इसकी कीमत है 366 रुपये, आप देख सकते हैं। और ये एरसन्स कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी टैबलेट मोंटिलो कास्ट में, मोंटिलो कास्ट 10 mg। तो बात करते हैं इसके यूज़र्स की, और यूज़र्स से पहले फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों से कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशनल मेडिसिन और मेडिकल के हवाले से वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी मोंटिलो कास्ट जो है ये फार्मूला जो है ये बेसिक एलर्जी जो होती है उसके लिए और ये सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए होता है। जी बिल्कुल, ये दो आपके अपने दोस्तों को दमा है, दमे की शिकायत है, इसे एस्थमा कहते हैं। तो ये एस्थमा में बहुत ही अच्छी टैबलेट है मोंटिलो कास्ट, और खांसी, सांस की प्रॉब्लम और एलर्जी जो आम एलर्जी होती है किसी वजह से, डस्ट एलर्जी हुई या उसके अलावा कोई एलर्जी हो गई जिसकी वजह से आपको छींकें आना शुरू हो गई हैं, नाक में पानी बहना शुरू हो गया है और उसके साथ खांसी है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो मोंटिलो कास्ट रिकमेंड की जाती है। मोंटिलो कास्ट जो है बेसिक सांस की नालियों को साफ करती है, सांस की प्रॉब्लम को दूर करती है और ये खांसी और दमा की बीमारियों को बेहतरीन इसका ये इलाज है मोंटिलो कास्ट, और तमाम जो फिजिशियन डॉक्टर हैं इसको रिकमेंड करते हैं। कंपनी कोई भी हो सकती है, फार्मूला यही होगा मोंटिलो का सोडियम। तो ये मोंटिलो कास्ट जो है ये एस्थमा, सांस की नालियों को साफ करे, सांस की प्रॉब्लम को दूर करे, खांसी दमा और इन चीज़ों की बेहतरीन टैबलेट है मोंटिलो कास्ट 10 mg। तो दोस्तों ये इसकी खुराक के वाले से बात करें तो ये इसकी डोजेस जो है ये तकरीबन 1 गोली रोज़ाना दी जाती है, लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा हो तो डॉक्टर 2 भी लिख सकते हैं। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें, उसके कहने के मुताबिक इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिसिन है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल खुद से ना करें, क्योंकि इसके फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आपको ये वॉन्टिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, उसके अलावा आपका पेट ख़राब हो सकता है और चक्कर आना शुरू हो सकते हैं, ये इसके ये अलामत। तो कोई भी मेडिसिन है उसके ज़्यादती जो है वो रिएक्शन की तरफ चली जाती है, दोस्तों उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके यूज़ के बारे में बात थी और इसकी तमाम तफसीलात थी। इसके अलावा कोई बात पूछनी हो तो मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में बात कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक, वो भी इसे देखकर फ़ायदा हासिल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।